भोला। ये मूवी की शुरुआत होती है एक ट्रक और 5 पुलिस की गाड़ियों की चेसिंग के सीन के साथ, जहां पे देखा जाता है कि 4-5 पुलिस की गाड़ियां एक ट्रक के पीछा करती हैं। काफ़ी फाइट होती है, कभी पुलिस की गाड़ियां आगे, कभी ट्रक आगे। इस दौरान पुलिस के काफ़ी सारे लोग एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। ये एक्सीडेंट ट्रक के साथ पुलिस की गाड़ियों के टकरा जाने से होती है। अचानक से हमें दिखता है कि डियाना जोसेफ, जो कि आईपीएस ऑफिसर रहती है उत्तर प्रदेश की, वो गोलियां, दनादन गोलियां ट्रक के ऊपर दागती है। और ट्रक वाले भी कहाँ चुपचाप बैठने वाले थे, ट्रक वालों ने भी पुलिस के ऊपर एक के ऊपर एक गोलियां दागना शुरू कर दिया। काफ़ी फाइट होने के बाद डब्बू, जो जिसका नाम डियाना जोसेफ है, उसकी गाड़ी ट्रक के आगे आ जाती है और स्ट्रेट फाइट होना शुरू हो जाता है, फेस टू फेस फाइट, जिसमें डब्बू ने ड्राइवर को और साथ साथ खलासी को दोनों को ही गोली मार के मौत के घाट उतार देती है। बाद में पता चलता है कि ये ट्रक में 1,000 करोड़ों का ड्रग्स तस्करी हो रहा था। ये सारे ड्रग्स को लेकर डब्बू, जिसका नाम है डियाना जोसेफ, वो थाने लेके आती है और साथ में ही उस ग्रुप के कुछ गुंडों को भी वो पकड़ के लेके आती है थाने में। थाने में लेके आने के बाद उसने उस ड्रग्स को एक सेफ ब्रिटिश के एक बनाए हुए जेल के अंदर रखती है, जो जेल इतना ही सुरक्षित था कि वहाँ पे कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। वो उस जगह पे ड्रग्स को ला कर रखती है। फिर उसके कोई एक सीनियर अधिकारी का रिटायरमेंट होता है, जिसके रिटायरमेंट के लिए उसने अपने घर पे एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है, जिसमें हाई रैंक के काफ़ी ऑफिसर शामिल होते हैं। उसी बीच होता ये है कि एक पुलिस अफसर, वो ड्रग्स पैडलिंग गैंग के साथ मिला हुआ रहता है और वो हाई ड्रग्स की गोलियां उनके ड्रिंक्स में मिला देता है और वो ड्रिंक्स को पीने के बाद एक एक करके सारे पुलिस अफसर बेहोश हो जाते हैं। लेकिन डियाना जोसेफ वो बेहोश नहीं होती है, क्योंकि उसके हाथ में चोट लगती है। वो चोट लगती है उसके जब वो इनकाउंटर कर रही होती है ड्रग्स तस्करों का, उस वक्त उसके हाथ में चोट लगती है, जिसके कारण वो बोलती है कि मैं नहीं कहूँगी। ये देख के वो डायरेक्ट फ़ोन लगाती है एक अपने डॉक्टर दोस्त को। वो कहती है कि आपने जिस तरह के मेरे को बात कही कि उन्होंने ड्रिंक्स को लेते ही वो गिर गए, इससे ये साबित होता है कि इनको हाई ड्रग्स की डोज दी गई है। अगर इनको 5 से 6 घंटे के अंदर अगर हॉस्पिटल नहीं लाया गया तो इनको बचा पाना नामुमकिन हो जाएगा। उसी वक्त देखा जाता है कि एक लड़के को पुलिस की जीप में बैठा के रखा जाता है हथकड़ियों के साथ, जबकि डियाना के हाथ में चोट है तो वो ट्रक को चला नहीं पाती, क्योंकि वहाँ पे एक ट्रक रखा हुआ रहता है जो ट्रक कैटरिंग वालों का रहता है, और जो हाई ऑफिसर जो रिटायर होने वाले थे उसके घर में दावत के लिए वो कैटरर आते हैं, उनका ही ट्रक रहता है। वो सोचती है, डियाना सोचती है कि अगर मैं सारे ऑफिसरों को इस ट्रक में अगर भर दूँ तो शायद इनको हॉस्पिटल ले जाना मुमकिन हो सकता है और ये इनकी जान बच जाएगी। वो कैटरर से पूछता, कैटरर वाले कहते हैं कि मैं गाड़ी चलाना नहीं आता। तब वो जाके उस शख्स से कहता है कि तुम अगर ट्रक चलाओगे तो फिर मैं तुम्हें रिहा कर दूंगा, तो क्या तुम्हें ट्रक चलाना आता है? तो वो कहता है कि हाँ मुझे ट्रक चलाना आता है। फिर वो उसको जीप से निकाल दिया जाता है। जीप से निकालने के बाद डियाना उसे कहती है कि चलो ट्रक चलाओ, तो उसने कहा था आपने पूछा था मेरे को कि मेरे को ट्रक चलाना आता है या नहीं, मैंने कहा ट्रक चलाना आता है, मैंने ये नहीं कहा कि मैं ट्रक चलाऊंगा। फिर उसने काफ़ी रिक्वेस्ट उसको करता है कि अगर तुम नहीं चलाओगे तो 40 के 40 जवान जो हैं वो मर जाएंगे। फिर वो लड़का, वो बंदा जो कैदी में, जो जिसको हिरासत में लिया गया था, वो एक फ़ोन लगाता है और फ़ोन लगा के डियाना को पकड़ाता है और बोलता है आप इससे बात करो। वो बोलती है कि ये इसको
लाइफ टाइम, आजीवन सजा मिली हुई थी, लेकिन इसके अच्छे बिहेवियर के चलते इसे 4 साल पहले छोड़ दिया गया है और इसे आज ही छोड़ा गया है। और ये अपनी बेटी से मिलने जा रहा है जिसको ये कभी देखा ही नहीं है 10 साल से, और इसकी बेटी जो है वो अनाथ आश्रम में रहती है। तो प्लीज़ इसको किसी भी लफड़े में मत फंसाओ, आप इसको छोड़ो। तब वहाँ की जो IPS डियाना रहती है वो बोलती कि आप इसके रिस्क लेंगे कि ये इसको चलाना आती है, अगर ट्रक को चला दे तो 40 जवान जिंदा हो सकते हैं, बच सकते हैं। तब वो कहती है कि ठीक है उनको फ़ोन दो। तो जब वो उस लड़की को फ़ोन देता है तो वो मैडम कहती है उनको कि तुम जाके अगर सकते हो तो चला दे। फिर वो तैयार होता है। एक एक करके सारे पुलिस अफसरों को ट्रक में भरने के बाद वो गाड़ी लेके निकल पड़ता है। जिसमें रहता है वो शख्स, वो पुलिस ऑफिसर और एक कैटरिंग वाला। और उसी ट्रक में जो पुलिस ऑफिसर उन लोगों के साथ मिला हुआ रहता है उसे भी बेहोश होने का एक्टिंग करना पड़ता है। वो भी ट्रक के अंदर से सारी इन्फॉर्मेशन देता है कि ट्रक कहाँ जा रहा, कहाँ नहीं। ऐसे चलते चलते हर एक रास्ते पे जो ट्रक्स के लोग हैं, गुंडे हैं उनके, वो ट्रक के ऊपर अटैक करती है। और जो शख्स है उसका नाम है भोला, वो सारे गुंडों को मारते हुए ट्रक को लेकर आगे निकलता है। उसी दौरान अनाथ आश्रम में जो उसकी बेटी रहती है उसको पता चलता है कि उनसे कोई कल मिलने आने वाला है, और वो बच्ची आज तक उससे कोई मिलने नहीं आया है। ये जानकर वो इतनी खुशी हुई कि वो अपने आंसुओं को रोक नहीं सकी और वो रात भर सोई नहीं। वो सोच रही थी कि मेरे से कौन मिलने आने वाला है आज। वो तुरंत जाती है, वार्डनर जो वहाँ के रहते हैं उनको बोलते कि आप कल मेरे से कौन मिलने आने वाला है, आप क्या मेरे को बता सकते हो। तो उसे डांट के पहले तो भगा देती है, फिर बाद में उसको बुला के वो उस नंबर पे फ़ोन लगाता जो नंबर उसके पिताजी का रहता है। ट्रक चलाते हुए उसके जब फ़ोन आता तो उनके पिताजी जब फ़ोन उठाते तो वो कहती है बच्ची कि मेरे को पता चला है कि कल आप मेरे से मिलने आने वाले, आप कौन है, क्या आप मेरे को बता सकते हो। तो फिर वो उस वक्त वो कुछ भी नहीं बता सकता है। धीरे 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 ये सीक्वेंस चलते रहता है, चलते रहता है, चलते 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 ये काफ़ी फाइट सीक्वेंस होती है। बीच बीच में हर एक गुंडे अपने आप को आजमाने के लिए आते हैं, क्योंकि जो ड्रग्स जो तस्कर हैं वो क्या करते हैं ना, वो इन लोगों को बोलते हैं कि अगर तुम इन लोगों को मार के ले सा आ सकते हो मेरे पास तो मैं तुम्हें करोड़ों रुपया दूंगा। और इस करोड़ों रुपया को पाने के लिए जितने भी वहाँ के गुंडे रहते हैं सब कोई उस ट्रक पर अटैक करने लगते हैं ताकि वो डियाना को मार सके। अब जो भोला है वो उनका मदद करने लगता है। धीरे 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 वो सबको मारने लगते हैं, सबको हटाने लगते हैं। फिर होता ये है कि वो जो गुंडे हैं जिनको पुलिस थाने में अरेस्ट किया रहता है वहाँ पे एक नया बंदा आता है जिनका एज करीब करीब 60-65 के करीब होता है। और वहाँ आने के बाद वो बैठा हुआ रहता है और वहाँ पे काफ़ी थाने में काफ़ी आक्रमण होता है, थाने में सबको अटैक करते हैं। अटैक करने के बाद ही भोला वहाँ पहुँच जाता है और भोला पहुँचते ही सारे गुंडों को मार देता है। और मारने के बाद अगली सुबह वो जाकर अपनी बेटी से मिल लेता है। तो यही है भोला का स्टोरी। ये मूवी काफ़ी अच्छा है, अमेजन प्राइम में अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं वहाँ पर। आपको कैसा लगा ये मूवी, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा हो। हमारे चैनल रिएक्शन चटनी को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आगे भी इस तरह की मूवी एक्सप्लेन, मूवी के रिव्यू, देश दुनिया के खबर देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।